नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल सेट संस्कृत का है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। विद्याधिगमाय में किन वर्णों की संधि हुई? विद्याधिगमाय में किन वर्णों की संधि हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, आ जोड़ ए, आ जोड़ ए। अगले प्रश्न की ओर। किसमें वर्णों के मेल से विकार होता है? किसमें वर्णों के मेल से विकार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संधि में। अगले प्रश्न की ओर। संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होगा? संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृतस्य लेखिका, संस्कृतस्य लेखिका। अगले प्रश्न की ओर। वैदिकम च तत्युगम का समस्त पद क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैदिक युगम, वैदिक युगम। अगले प्रश्न की ओर। संस्कृत में कितने कारक हैं? संस्कृत में कितने कारक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, छह। अगले प्रश्न की ओर। सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकरण। अगले प्रश्न की ओर। दुर्योधन में उपसर्ग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूर। अगले प्रश्न की ओर। बालय पद का मूल रूप क्या है? बालय पद का मूल रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दात्री शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, दाता। अगले प्रश्न की ओर। चर किस लकार का रूप है? चर किस लकार का रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोट। अगले प्रश्न की ओर। दक्षियती किस धातु का रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, दृश। अगले प्रश्न की ओर। कंप मानम पद में कौन सा प्रत्यय है? कंप मानम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, सानच। अगले प्रश्न की ओर। भूजोड़ कत्वा में कौन सा अव्यय बनेगा? भूजोड़ कत्वा में कौन सा अव्यय बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूत्वा। अगले प्रश्न की ओर। धार्मिकम में कौन सा तद्धति प्रत्यय है? धार्मिकम में कौन सा तद्धति प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ठक। अगले प्रश्न की ओर। आज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? आज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, अजा। अगले प्रश्न की ओर। यथा नद्य स्यंदमान सुमद्रे मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। अगले प्रश्न की ओर। अनृतम पद का पर्याय निम्न में कौन सा है? अनृतम पद का पर्याय निम्न में कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, असत्यम। अगले प्रश्न की ओर। वेदाहमेतम महांतरम इस पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषम। अगले प्रश्न की ओर। सरस्वती कुलगृहम किसे कहा गया है? सरस्वती कुलगृहम किसे कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। अगले प्रश्न की ओर। मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, पटना। अगले प्रश्न की ओर। पत्तन शब्द से बना पाटलिपुत्र का अन्य नाम कौन सा है? पत्तन शब्द से बना पाटलिपुत्र का अन्य नाम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना। अगले प्रश्न की ओर। पाटलिपुत्र का वैभव किसके शासनकाल में अत्यंत समृद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रियदर्शी अशोक। अगले प्रश्न की ओर। अलस कथा पाठ में किस दोष का निरूपण किया गया है? तो
तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, आलस्य। अगले प्रश्न की ओर। सजातिनम दृष्ट्वा के न धावन्ति जन्तवः, इस पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुखम। अगले प्रश्न की ओर। जलती हुई अलसशाला में चारों आलसी क्या कर रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परस्परालाप कर रहे थे। अगले प्रश्न की ओर। तूष्णीं कथं न तिष्ठत, किसका कथन है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथे आलसी का। अगले प्रश्न की ओर। दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी? दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैत्रेयी। अगले प्रश्न की ओर। अथर्ववेद में कितने मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, पांच। निम्नलिखित में गंगा देवी की रचना कौन सी है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मधुरा विजयम, मधुरा विजयम। अगले प्रश्न की ओर। कंपन राय की रानी का नाम क्या था? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा देवी। अगले प्रश्न की ओर। सूर्यापद में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाप। अगले प्रश्न की ओर। कीम जोड़ तहसील से कौन सा अव्यय बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उतह। अगले प्रश्न की ओर। करणीयम पद में कौन सा प्रत्यय है? करणीयम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, तबियत। अगले प्रश्न की ओर। धाव धातु के विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धावेत। अगले प्रश्न की ओर। भूपति शब्द का रूप किसे समान चलेगा? भूपति शब्द का रूप किसके समान चलेगा? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, पति। अगले प्रश्न की ओर। किस पद में अधि उपसर्ग नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधर्मा। अगले प्रश्न की ओर। धिक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, चतुर्थी। अगले प्रश्न की ओर। कविसु कलिदास श्रेष्ठ वाक्य के कविसु पद में किस सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यतश्च निर्धारणम। अगले प्रश्न की ओर। किसमें अव्ययी भाव समान नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबोदरा। अगले प्रश्न की ओर। किसमें विग्रह होता है? किसमें विग्रह होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, समास। अगले प्रश्न की ओर। पाठे अस्मिन किस संधि का उदाहरण है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व रूप। अगले प्रश्न की ओर। गति जोड़ इति की संधि क्या होगी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, गतिति। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में चेति का सही संधि विच्छेद क्या है? निम्न में चेति का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, च जोड़ इति। अगले प्रश्न की ओर। किस संधि में विसर्ग में विकार परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग। अगले प्रश्न की ओर। किस समास में उभय पद प्रधान होते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास में। अगले प्रश्न की ओर। करण कारक विधायक सूत्र निम्न में कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, साधकतम करणम, साधकतम करणम। अगले प्रश्न की ओर। भारत महिमा पाठ कहाँ से उद्धृत है? भारत महिमा पाठ कहाँ से उद्धृत है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुराण से। अगले प्रश्न की ओर। आपगा का अर्थ है, आपगा का अर्थ है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नदी। अगले प्रश्न की ओर। धर्म जाति प्रभेदे इह
वहनता वसंती रिक्त स्थान को उचित पद से भरें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकत्व भावम। एकत्व भावम। अगले प्रश्न की ओर। के संत संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैक्षणिक। अगले प्रश्न की ओर। शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, गुरुगृह में। अगले प्रश्न की ओर। किस संस्कार का मुख्य कर्म गोदान है? किस संस्कार का मुख्य कर्म गोदान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के शांत। अगले प्रश्न की ओर। किस संस्कार के अंतर्गत जात कर्म संस्कार किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जन्म पूर्व। अगले प्रश्न की ओर। कौन अभिवासी पर विश्वास करता है? कौन अभिवासी पर विश्वास करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्ख। अगले प्रश्न की ओर। किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए? किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्त्री की। अगले प्रश्न की ओर। शिक्षिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? शिक्षिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाप। अगले प्रश्न की ओर। दीर्घ जोड़ तरफ से कौन सा पद बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीर्घत्व। अगले प्रश्न की ओर। बालानाम गति जमीनी प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान पर उपयुक्त पद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, केशाम। अगले प्रश्न की ओर। वृथा अव्यय का अर्थ है? वृथा अव्यय का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेकार। अगले प्रश्न की ओर। किस पद में तल प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता। अगले प्रश्न की ओर। हसन में कौन सा प्रत्यय है? हसन में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, सात्री। अगले प्रश्न की ओर। क्रेश्यति में कौन सी धातु है? क्रेश्यति में कौन सी धातु है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्री। अगले प्रश्न की ओर। पति शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्या। अगले प्रश्न की ओर। किस पद में अब उपसर्ग है? किस पद में अब उपसर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवरोध। अगले प्रश्न की ओर। पृथक अलगाव का बोध होने पर किस कारक का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, अपादान। अगले प्रश्न की ओर। नमः के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थी। अगले प्रश्न की ओर। अहम खाम पश्चमी वाक्य के स्वाम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, तथा युक्तम चानि पिष्टम। अगले प्रश्न की ओर। महादेवा में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कर्मधारय समास। अगले प्रश्न की ओर। खेल नर्तम में कौन सा समास है? खेल नर्तम में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अगले प्रश्न की ओर। किस पद में स्वर संधि नहीं है? किस पद में स्वर संधि नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, निश्चितम। निश्चितम। अगले प्रश्न की ओर। किन वर्णों के मेल से यह बनता है? किन वर्णों के मेल से यह बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, अजोड़ हर्षही। अगले प्रश्न की ओर। दीर्घ संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? दीर्घ संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, विद्यालय। अगले प्रश्न की ओर। भिकन टोला देखने के लिए कौन आए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, शिक्षक।
अगले प्रश्न की ओर। लक्ष्मी संपत्ति किसे प्राप्त होती है? लक्ष्मी संपत्ति किसे प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्यमी को। अगले प्रश्न की ओर। अर्थभाव का अर्थ क्या होगा? अर्थभाव का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, धनाभाव। अगले प्रश्न की ओर। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपशाख था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु का। अगले प्रश्न की ओर। मूल शंकर को विरजानंद के दर्शन कहाँ हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मथुरा में। अगले प्रश्न की ओर। मूल शंकर में वैराग्य भाव का उदय कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, शिवरात्रि पर्व के बाद। अगले प्रश्न की ओर। रामायण के अयोध्या कांड में संकलित पाठ निम्न में कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, मंदाकिनी वर्णम। अगले प्रश्न की ओर। दान किसको देना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरीब को। अगले प्रश्न की ओर। त्वम हम मुत्था यामी किसका कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाघ का। अगले प्रश्न की ओर। व्याघ्र पथिक कथा पाठ में कौंतीय शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन के लिए। अगले प्रश्न की ओर। महोत्तरम भिक्षा याचे किसका कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक्र का। अगले प्रश्न की ओर। सर्प का जिह्वा के समान चंचल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, राजलक्ष्मी। अगले प्रश्न की ओर। कर्ण सिदान वीरता पाठ कहाँ से उद्धृत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कर्ण भारम। अगले प्रश्न की ओर। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य का क्या नष्ट नहीं होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाणी। अगले प्रश्न की ओर। असहिष्णुता को कौन जन्म देता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वेष। अगले प्रश्न की ओर। देशों के बीच विवादों का समाधान करना किसका काम है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र संघ का। अगले प्रश्न की ओर। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, पतंजलि। अगले प्रश्न की ओर। आचार्य चरक की रचना कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चरक संहिता। अगले प्रश्न की ओर। किस शब्द में डीप प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मातुली। अगले प्रश्न की ओर। गौरवम में कौन सा तद्धति प्रत्यय है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, आने। अगले प्रश्न की ओर। अंशु जोड़ मतुप से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंशुमान। अगले प्रश्न की ओर। कितन प्रत्यय किस पद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गति। अगले प्रश्न की ओर। अतपत किस धातु का रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तप। अगले प्रश्न की ओर। निष्काम शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निस। अगले प्रश्न की ओर। परीता के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय। अगले प्रश्न की ओर। नव समास का पहला पद होता है
तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नकारात्मक। अगले प्रश्न की ओर, छंद शास्त्र के रचयिता कौन हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, आचार्य पिडगल। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।